नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन संस्कृति का संरक्षक बताया। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। बता दें कि सीएम धामी शनिवार को परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम ने कहा कि इतनी कम आयु में बजरंग बली ने महाराज जी पर कृपा की है और ये एक दैवीय चमत्कार से कम नहीं। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा विभागों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया। आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास केवल मुख्यमंत्री ही कर सकेंगे। वहीं इस आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री मुख्य होता है, लेकिन जो उनके साथ कैबिनेट और राज्य मंत्री होते हैं उनको भी विशेष अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि इस आदेश से इन सभी का विशेष अधिकार का हनन हो रहा है। वहीं इस आदेश को लेकर धामी कैबिनेट में संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। यदि मुख्यमंत्री योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तो एक अच्छी बात है, इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मंत्री कोई भी हो वो मुख्यमंत्री के अधीन है, और हमारे यहां चूंकि यदि मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, मुझे आज भी सुबह मैं कह रहा था, वो निश्चित रूप से तमाम, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों चाहे पक्ष के विधायक हों, सबका वो बहुत रिगार्ड करते हैं, और मंत्रियों का तो रिगार्ड करते ही हैं। और मुख्यमंत्री किसी भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करता है तो मंत्री उसके अधीन है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री मुखिया होता है, देश में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कैबिनेट में मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनको भी विशेष अधिकार होते हैं। आज ये बात में जो आप कह रहे हैं, ये जिलाधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री के बगैर उद्घाटन नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारों का हनन है, और जो हमारी लोकतंत्र की सुंदरता है और जो हमारे लोकतंत्र का असली अर्थ है उसको तानाशाही की ओर ले जाने का काम हो रहा है। ये तो राजशाही जैसी बात हो गई कि जब राजा आदेश देगा तभी कुछ काम हो पाएगा। मुख्यमंत्री जो है सभी जो मंत्रालय है उनका हेड है, लेकिन उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र मंत्रिमंडल में बांट रखे, तो मंत्रिमंडल के लोगों को भी जो है कि उसमें उद्घाटन करने के अधिकार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार तत्पर है। बीजेपी संगठन प्रदेश के अलग अलग जनपदों में प्रेस वार्ता की जा रही है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसके मुताबिक अभी तक 94,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। वहीं महासागर कार्यालय में धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2018 में त्रिवेंद्र सरकार में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद भी 40,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतारा गया, जो पिछले 17 सालों में नहीं हो पाया वो 2018 में हुए। विपक्ष ने बीजेपी संगठन को आड़े हाथों लिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को खुद की पीठ थपथपाने की आदत है। है अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का, वो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। वो ये तो बता दें अभी कितना इन्वेस्टर यहाँ आया है,
अभी तो सूत न कपास जुलाई में लटकन रखा हो रही है, अभी कहां न कोई इन्वेस्टर आया, न कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, न कोई इस्टेब्लिशमेंट हुआ, न कुछ कोई फैक्ट्री यहां पर लगी, न कोई आने को तैयार है। आप करें 90,000 करोड़ का हमने MOU दस्तखत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, सराहनीय है, उनका प्रयास सराहनीय है। मंत्री कहाँ है उनका पता नहीं चल रहा है, वो क्या अपने विभागों में क्या कोशिश कर रहे हैं इसका पता नहीं है। और भाजपा अपने आप ही स्वयं अपने मियां मिट्ठू बन रही है। भाई आप पहले धरातल में उतरने तो दीजिए, दिसंबर में तो आपके इन्वेस्टर मीट होने जा रही है। देखिए जब जब हमने प्रयास किए हैं निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको मिला है। अगर मैं पीछे से प्रारंभ करूं तो त्रिवेंद्र जी की सरकार में भी यहां पर इन्वेस्टर समिट हुआ था और लगभग 1.25 लाख करोड़ के MOUs हुए थे, जिनमें से तमाम दिक्कतें, क्योंकि कोरोना काल उसके बाद शुरू हो गया था, बहुत सारी दिक्कतें उसके कारण पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर आई है, उसके बावजूद 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग यहां पर ला पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। क्योंकि उससे पहले के अगर 17 सालों का ड्यूरेशन हम देखें तो इतना इन्वेस्टमेंट 17 सालों मिलाकर नहीं आया था। इसी प्रकार इस समय भी हम लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगभग 94,000 करोड़ के MOUs हमारे हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय उत्तराखंड के लिए ला पाएंगे और जो आगे चल के उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का 5वें वार्षिकोत्सव द लीजेंड ऑफ राघव को मनाया गया, जिसमें राघव के जीवन, गुण, सिद्धांत, कर्तव्य, निष्ठा और संस्कृति की गहरी श्रद्धा को दर्शाया गया, जो एक आदर्श मानव पुत्र, भाई, पति और राजा के गुणों का प्रतीक माना जाता है। वहीं कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, तो वहीं उनके साथ हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला समेत तमाम बीजेपी और शहर के बड़े चेहरे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रस्तुत करने के लिए कोश्यारी जी से अच्छे चीफ गेस्ट कैसे हो सकते हैं, इतनी सिंपल पर्सनालिटी, सरल जीवन, हाई थिंकिंग। तो इसी वजह से हमने कोश्यारी जी से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमें समय दिया। हम बहुत अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि कोश्यारी जी आज दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी में आए और उन्होंने इतना समय दिया, इतने अच्छे तरीके से बच्चों को और सारे अभिभावकों को संबोधित किया। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और एक स्कूल होने के नाते हमें अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़े रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। जिम्मेदारी के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य है कि आज पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ अपनी हिंदी संस्कृति, अपनी भारत की संस्कृति से बच्चों को जोड़े रखना है। इसी वजह से हमने एक ऐसा कार्यक्रम को चुना और उसी का संचालन करने की कोशिश की। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है DPI, लेकिन उन्होंने कोश्यारी जी ने अपने शब्दों में हिंदी पर कहीं ना कहीं ज्यादा जोड़ दिया, तो DPI जी इस चीज को कैसे मैनेज करते हुए आएगा कि बच्चों को हिंदी में भी उतना ही सिखाया जाए जितना इंग्लिश में सिखाया जाए। सही बात है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के साथ साथ हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और संस्कृत। दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी में हिंदी और संस्कृत दोनों पे ही उतना जोर दिया जाता है जितना इंग्लिश को दिया जाता है। ठीक है, कुछ मायनों में इंग्लिश की आज जरूरत थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी और संस्कृत को वापस बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी संस्कृति की ओर फिर ले सकते हैं। अभी भारतवर्ष इसने सारी दुनिया को शिक्षा दी है, भारत का योग आज दुनिया के 180 देशों में मनाया जा रहा है। इस विद्यालय में मैंने देखा जो भी बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं सब में भारतीय संस्कृति की सुगंध थी और आज हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और भारत माता के प्रति समर्पण, ये हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जिससे यह देश आगे जगत गुरु बने। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उस दिशा में ये विद्यालय और अन्य विद्यालय भी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, देश उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में विकास योजनाओं के ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन कार्यक्रमों में
प्रभारी मंत्री व विभाग के मंत्री के अलावा क्षेत्रीय सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से कम करेंगे प्रदेश के दौरे। वहीं बता दें कि फिलहाल अभी सरकार पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन का दबाव है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में सरकार आयोजन से पारित हो जाएगी। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ की फैक्ट्री स्टार्ट कर चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हो रही हैं, नेताओं के हवाई दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन राज्य को कुछ मिल नहीं रहा है। अब जो है उद्घाटनों का कार्यक्रम होगा, शिलान्यास होंगे, लेकिन धरातल पर काम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिस स्पीड से जो है मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, अगर उस स्पीड से ये काम धरातल पर उतरते तो राज्य तो मुझे लग रहा है कि आज ही देश का अग्रणी राज्य बन जाता। लेकिन जनता भाजपा का झूठ भलीभांति समझ रही है और भाजपा का जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो जनता समझ चुकी है। भाजपा कुछ भी कर ले, जनता भाजपा के बहकाव में नहीं आएगी। उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य में योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने पर मंत्रियों, सांसदों और विधायक पर रोक लगा दी है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी इस आदेश की जानकारी सीएम के सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने इस संबंध में सभी एसीएस प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और आदेश को ये सभी ब्यौरा मांगा है। क्या अगर सरकार तय करे तो मुख्यमंत्री नहीं, उसको क्या दिक्कत? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? सरकार हमारी है। ये कहिए कि मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अधिकार अपमानजनक क्या? देखिए कांग्रेस अपने बारे में बात करे, मंत्री राज्य मंत्री सरकार के हैं, हमें तो कोई आपत्ति है, हम भी विधायक और अच्छा है। अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो अधिक कामों की संभावनाएं बनेंगी। मैं बता दूं आपको, जब मुख्यमंत्री सीधे सीधे लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ेंगे तो 50 लाख का तो शिलान्यास करेंगे नहीं, कोई 1 करोड़ का तो लोकार्पण करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे 8-10-20 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तो हमको तो लाभ मिलेगा ना। अभी प्रधानमंत्री जाए थे ना कुमाऊं। पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी में पुनः हवाई सेवाएं बहाल करने और विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक मयूख महर धरने पर बैठे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने समर्थन दिया। विधायक की मांगों के समर्थन में महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर समस्याओं से समाधान की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने इस पर कहा कि सरकार व प्रशासन की अनदेखी से जनप्रतिनिधियों को जन समस्याओं के लिए धरना देना पड़ रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख महर अपने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी बनाकर देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का काम किया, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही इस सेवा को बंद कर दिया गया। देखिए नैनी सैनी में प्रदेश की जनता को बड़े बड़े आपने सपने दिखाने का काम किया। वहां से पहले जो है हवाई यातायात चलता था, अब लगातार जो है आप उसे सुचारू रूप से चला ही नहीं पा रहे हैं। लोग जो है बाट जो रहे हैं कब जो है पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो। आप बार बार आश्वासन देते रहे, आपकी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बदलते रहे, आपके वादे भी बदलते रहे, लेकिन जो है जनता सोच रही थी कोई तो आएगा माइका लाल जो अपनी जो है घोषणाओं को, अपने वादों को पूरा करेगा। पिथौरागढ़ बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, अगर वहां से हवाई यातायात शुरू होता तो पिथौरागढ़ की दूरी राजधानी देहरादून और देश के अन्य कोनों से मुझे लगता घटती। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
चुनाव की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस ने समूचे प्रदेश भर में 16 नवंबर से जिला कांग्रेस कमेटी सम्मेलन कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 28 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे, जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की अध्यक्षता पीसीसी चीफ करण महारा करेंगे, साथ ही कार्यक्रम में संबंधित जिले के पदाधिकारी, मौजूदा जनप्रतिनिधि और पूर्व प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर इन कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए जाएंगे, ताकि उस पर आगे की रणनीति तैयार की जा सके। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन आयोजित होने हैं और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होंगे, और ये कार्यक्रम 16 तारीख से हमने आयोजित किए करने का निश्चय लिया है। और प्रथम चरण में गढ़वाल मंडल के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिलों में होंगे। उसके बाद ये 16, 17, 18 में होंगे। उसके बाद 20, 21 में टेहरी और उत्तरकाशी होंगे, और उसके बाद 25, 26, 27, 28 में चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, प्रदेश के सारे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी, पूर्व अध्यक्ष पूर्व CLP आदरणीय प्रीतम सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गुदियाल जी। अल्मोड़ा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अल्मोड़ा में करोड़ों की लागत से 4 पार्किंग स्थलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं नगर के MU बस स्टैंड पर जिला प्रशासन से अनुबंध होने के बाद सरकार ने करीब 3 करोड़ के पार्किंग के निर्माण को हरी झंडी मिली है और निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते पिछले कई महीने से पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोग यातायात की समस्याओं से जूझ रहे हैं और पार्किंग निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं पालिका अध्यक्ष का कहना है कि पार्किंग स्थलों के बनने से लोगों को यातायात समस्या से निजात मिलेगी और वहीं इस पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। पार्किंग अल्मोड़ा शहर में बन रही है, इससे अल्मोड़ा की जनता को ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा और जो यातायात की कठिनाइयां अल्मोड़ा शहर में हो गई हैं उससे निजात मिलेगी। और KMU के पास जो उनकी जमीन पर जो पार्किंग बन रही है उसमें थोड़ा शायद अवरोध हुआ है, जिसको उसका समाधान निकालना जिला प्रशासन के स्तर पर होना है। मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करें, ताकि ये पार्किंग जल्दी से जल्दी अपने अस्तित्व में आ जाए और अल्मोड़ा के नागरिकों को उसका लाभ मिले। बजट आया था 2,90,33,000 रुपया, और इसके साथ विकास प्राधिकरण के साथ एग्रीमेंट हुआ था, इसका CNDS इसको रानी खेत बना रहा था। बीच में ये कहना बोलते हैं काम भी चालू हो गया था, ये बिल्डिंग जो थी ध्वस्त भी कर दी गई CNDS द्वारा, और बीच में ये काम रुक गया है। बीच में कभी चालू हो जाता है कभी रुक जाता है, यानी कि अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं। इधर PWD का इनका ये जो खोके वाले हैं दो, इनका और PWD का चला, हमने अपनी जमीन तो ध्वस्त कर दी, और ठेकेदार का बहाना कि ये खोके हैं। अब हमने कह भी दिया कि 686 नंबर और 687 में PWD ने वो दे रखा है इनको नोटिस। दून को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त करने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। लोगों को जागरूक करने और प्लास्टिक पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए निगम ने बड़े स्तर पर अभियान चला
चला रहा है। वहीं दून में पॉलिथीन और प्लास्टिक का कचरा सबसे बड़ी समस्या है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगा। इसी को लेकर नगर निगम देहरादून द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन जब्त की जा रही है। देखिए, यदि हम पूरे साल भर की बात करें तो लगभग हम लोग जो है अभी तक लगभग 12 लाख रुपए तक का हम लोग जो है जुर्माना लगा चुके हैं, और अगर हम सिर्फ माह अक्टूबर की ही बात करें केवल, जब से हमने जो है फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं और लगातार जो है हमारी टीमें जो है विभिन्न मंडियों में, बाजारों में और जो वेंडिंग जोन्स हैं वहाँ वहाँ पर जाके जो चलानी कार्रवाई कर रही हैं, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग अब तक हम लोग जो है करीब 900 किलो से ज़्यादा पॉलीथीन जब्त कर चुके हैं, और साथ ही साथ इसमें स्ट्रॉज भी हैं, कप्स, प्लेट सभी हैं, और साथ ही साथ नंबर ऑफ चालान की बात करें तो लगभग जो है 300 से ऊपर चालान हो चुके हैं, और अगर धनराशि की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि जो है चालान के माध्यम से हम लोग जो है अभी तक जमा करवा चुके हैं केवल इसी माह के अंदर। और इसके अतिरिक्त जो है साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त जहां भी चालान करते हैं वहां पे लोगों को जो है पैम्फलेट्स के माध्यम से और हैंडआउट्स, हैंडबिल्स के माध्यम से जो है उनको जो है प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि वे लोग जो है घर से ही अपने जो है एक कपड़े का बैग या जूट बैग या किसी भी प्रकार से जो है शॉपिंग के लिए अपना यूज करें। कोटद्वार में सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में मिलावट का मामला सामने आया है। सरकारी सस्ते गल्ले से मिलने वाले चावल के लोग नकली चावल मिलने की होने की बात कर रहे हैं। कई महीनों से ये प्लास्टिक नुमा नकली चावल खाते आ रहे हैं। नकली चावल मिले होने से शिकायत को लेकर आज एक महिला एसडीएम के पास पहुंची और नकली चावल के कुछ सैंपल दिखाए, जिसमें एसडीएम सोहन सिंह सैनी को भी चावल देखने में अजीब से लगे, जिसमें एसडीएम ने कहा कि अभी ये नकली चावल का मामला संज्ञान में आया है, इसे जांच करवाई जाएगी और जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला का कहना है कि हमें ये प्लास्टिक के चावल 6 महीनों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से मिल रहे हैं, जिसे खाकर हमारी तबीयत खराब हो रही है। लिए ऐसे जैसे प्लास्टिक के होंगे ऐसे लग रहा है, और जैसे ये नहीं दूसरे वाले चावल है, इन चावलों को जब हम मतलब पकाते हैं धोते हैं तब तो ये सही है, और ये जो नकली चावल है ये पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं और इनमें चिकनाहट है। इसमें ये अभी ये मामला जो है संज्ञान में आया है, इसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो ये चावल है ये जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, प्लास्टिक जैसा इस तरह का लग रहा है और खाने में भी इसको जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसमें मैं इसकी जो है जांच करा रहा हूँ। जांच के उपरांत इसमें कहा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो झंडा चौक के सामने, टाकीज के सामने कोई दुकान है ये जो डीलर वाली है, उनके द्वारा जो है इनके द्वारा बताया गया कि उसने हमें ये दिया है, तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि क्या स्थिति क्लियर हो पाएगी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ये, तो सही स्थिति जो है जांच के उपरांत ही क्लियर हो पाएगी। इसमें ये कहेंगे कि सरकार द्वारा हमें तो चावल मिल रहा है, राशन हमें मिल रहा है, लेकिन अब इसमें क्या करें, जो ये बड़े लोग दलाल बैठे हुए हैं जो हमारे हिस्से के चावल तो हटा दे रहे हैं, इसमें प्लास्टिक के चावल मिला दे रहे हैं, तो हम किसके पास जाएं, किसके पास कहें, कौन है हमारा सुनने वाला, हम किसके पास बोल नहीं सकते। सारी गली वाले चावल ले रहे हैं लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं जा रहा आगे। वो तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप कल आए यहाँ पे और हमने आपके पास शिकायत करी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा बरी इंजीनिया बंगाली कॉलोनी काली मंदिर पर शनिवार को उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के सौजन्य से नागरिक चिकित्सालय खटीमा के डॉक्टर मनोज पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 70 मरीजों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाई दी गई। शिविर में समय बदलते हुए मौसम के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार, जोड़ों में दर्द व आदि बीमारियों के मरीज पाए गए, जिनका प्रशिक्षण के इलाज के लिए
किया गया है। और डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर शिविर लगाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सेवाओं की जानकारी दी जाती है। सर्वप्रथम उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से जो आज बड़ी अंजनिया में कैंप का आयोजन किया गया, जो कि निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया, और ऐसे ही हम लगभग जो तीसरा गांव है वैसे हर गांव में भी जाकर के हम स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं। आज के कैंप में मैक्सिमम 70 मरीज जिनका जांच की गई, ब्लड शुगर या अनेक प्रकार की जांचें जो डॉक्टर हमारे नागरिक चिकित्सालय खटीमा से आए थे, उन्होंने जांच किया, और जांच के द्वारा जिनको जो ज़्यादा ही सीरियस थे उनको दवाइयां भी दी गई। हमारे माध्यम से लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम लोग गांव-गांव में जा करके महीने में 2 या 3 कैंप करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी लोगों को दी जाती है। साथ साथ ही आज इसके साथ साथ ही हम लोग ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर, हीमोग्लोबिन, HIV, VDRL वगैरह ये सब जाँचें भी करते हैं साथ में, और HIV वाले हमारे साथ रहते हैं, काउंसलर डॉट्स वाले रहते हैं। आज साथ साथ में हमने यहाँ पर जो सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किया लोगों का, जिसमें करीबन 70 के आसपास मरीज थे, अधिकतर आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।